चलो जी करो। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिनों से गुज़श्ता इलेक्शन बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग मसला चर्चा में था, चल भी रहा था। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बार के तमाम मेम्बरान ने जो है हम पे विश्वास किया है, हम पे भरोसा रखा है, हम पे अपनी उम्मीदें भी रखी हैं कि हम आने वाले दो साल में किस हद तक फुलफिल कर पाएंगे उनकी उम्मीदों को। वो हम प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब और दिगर हमारी जॉइंट सेक्रेटरी साहब कैशियर, हम सब मिलकर जो है इसमें एक नया लायामल भी लाएंगे और कोशिश करेंगे कि बार के जितने भी मसाइल हैं और उन पर बातचीत हो। अलावा ऐसे यह है कि मैं अपने जो हमारे ओपोनेंट थे, जो हमारे मद्दे मुकाबल आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया लड़ने का और इलेक्शन में कंटेस्ट करने का। मैं उनको भी वेलकम करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं। वो भी हमसे दूर नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। बार में कोई डिवीजन जैसी सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता कामयाबी जो होती है वो हम सबको पता है किसकी होती है। दरअसल बात यह है कि दूसरी, इसके अलावा जी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो हमारा सबसे बेहतरीन इशू है वो ये है कि हम अपने वकला 40 इनरोल्ड एडवोकेट्स हैं हमारी बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी डिग्निटी पे ज़ीरो टॉलरेंस होगा आज के बाद। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने तमाम वकला हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी हम सबको। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे यहाँ पे आए। हमारा आज इलेक्शन था तो मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए मैंने फॉर्म नॉमिनेशन भरा था, मेरे पोस्ट कोई भी नहीं आया, अनपोस्ट कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ। मैं पूरी बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ तय दिल से, और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे दी गई है पूरी बार मेम्बर्स ने, वो इंशाल्लाह मैं बखूबी निभाऊँगा और अपनी बार के साथ, बार एसोसिएशन के साथ चलूँगा, अपनी बाड़ी के साथ चलूँगा। तो फिर दोबारा से मैं एक बार रिपीटली कहता हूँ कि मैं अपनी पूरी बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का तय दिल से शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मौका पे मैं ज़्यादा तो कुछ ना कहूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले अपने ये साथियों का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट और वोट दिया और मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, अब मैं मुझ पे इन्होंने ज़िम्मेदारी डाली है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाऊँगा, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा और इन साथियों के दुआओं से और इनके साथ से मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा। इनकी जितनी भी बार एसोसिएशन की पार्टिकुलरली और पूरी सिविल सोसाइटी के भी मामलात जितने भी हैं, क्योंकि बार एक रिप्रेजेंटेटिव होती है सोसाइटी की, तो जितने भी मामलात होंगे उनको गरीब गुरबा लोगों के हल करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा अपनी जसारत के मुताबिक। ज़्यादा मैं कुछ ना कहूँगा तो फिर अपनी बार एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं और जो बाकी लोग हैं यहाँ के स्टाफ, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा आज़ाद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। देखा जाए कि हमारी बार की आज इलेक्शंस की वोटिंग थी और रिजल्ट अनाउंसमेंट का डे था। दो साल कबल बार का इलेक्शन हुआ जिसमें मैं यूनिवर्स प्रेसिडेंट चुना गया था, मेरे दो साल पूरे हो चुके थे, उसके बाद हमने इलेक्शन को करवाना था नेक्स्ट कैंडिडेट ताकि कोई आए, और एक दो महीने हमने डिले किया। उसके बाद हमने सोचा कि वैकेशन से पहले पहले हमारी बार की जो है नई टीम जो है वो चुनी जानी चाहिए। तो मैंने बीइंग फार्मर बार प्रेसिडेंट एज एन इलेक्शन कमीशन एक्ट करते हुए एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें हमने 10 और 11, 12 तारीख, 3 दिन दिए हमने इलेक्शंस के फॉर्म लगाने के लिए। तो 13 तारीख को विड्रॉल का था डेट और 14 तारीख खुद और इलेक्शन वोटिंग थी जिसको हमने पोस्टपोन करके आज 15 को लाया। तो हमारे इस इलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो है जनरल सेक्रेटरी जो है के लिए फॉर्म लगाया एडवोकेट शोकत चौधरी साहब ने, जिनके मध्य मुकाबल किसी ने नहीं लगाया और ये अनपोज डिक्लेयर हो गए। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी के लिए वसीम बुखारी साहब ने फॉर्म लगाया, इसके मध्य मुकाबल इनके मध्य मुकाबल कोई नहीं आया और ये जॉइंट सेक्रेटरी डिक्लेयर हो गए। कैशियर के लिए कोई नहीं आया, हमारे नए प्रेसिडेंट साहब वही डिसाइड करेंगे कैशियर कौन होगा। दो इंपॉर्टेंट पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की जो रही
اس کے سلسلے میں ہمارے پاس چار اپلیکیشن فارمز آئے، ایک ایڈوکیٹ افتخار حسین شاہ صاحب نے لگایا، ایک ایڈوکیٹ مرزا خان صاحب، ایڈوکیٹ شیخ مختار صاحب اور ایڈوکیٹ ممتاز حسین شاہ صاحب۔ تو تین دن کی ڈیلیبریشنز اور ڈسکشنز کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ دو کینڈیڈیٹس مرزا خان صاحب اور شیخ مختار صاحب نے وِدڈرا کر دیا کنٹیسٹ کرنے سے۔ ہمارے پاس دو کینڈیڈیٹ بچے، ایک افتخار حسین شاہ صاحب، ایک ممتاز حسین شاہ صاحب، جن کے درمیان جو ہے آخر ووٹنگ ہونی تھی۔ آج صبح 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک ہماری ووٹنگ تھی، جس میں 35 وکلا نے جو ہے فزیکلی شرکت کی اور 5 وکلا جو ووٹ اسٹیشن سے ورچوئل موڈ سے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ تو نتائج جب ہمارے سامنے آئے تو دو امپورٹنٹ پوسٹ کے جو آج رزلٹ اس طرح سے ہیں کہ ایڈوکیٹ، جہاں تک پریزیڈنٹ کا سوال ہے، پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے ہمارے ایڈوکیٹس سید افتخار حسین شاہ صاحب نے 26 ووٹ حاصل کر کے یہ الیکشن جیت لیا، اور ایڈوکیٹ ممتاز حسین شاہ صاحب نے 14 یعنی 14 ووٹ لیے اور وہ رنر اپ کینڈیڈیٹ رہے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں ایڈوکیٹ افتخار حسین شاہ صاحب کو کہ انہوں نے آج کا بار کا الیکشن کنٹیسٹ کیا اور اس کو جیتا، اور ساتھ ساتھ میں ممتاز صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی اچھے خاصے ووٹ لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن اناؤنسمنٹ کا مسئلہ ہے رزلٹ کا، وہاں پہ ایڈوکیٹ بختیار حسین شاہ کاظمی صاحب جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے 19 ووٹ حاصل کیے، اور ایڈوکیٹ ظفر شاہ جو ان کے مد مقابل تھے انہوں نے 8 حاصل کیے، اور باقی جو ہے ایڈوکیٹ عمر ملک صاحب نے کیے، مجھے ایگزیکٹ فگر بھی یاد نہیں ہے، تو 13 ووٹ حاصل کیے۔ تو ہمیں جو ہے وائس پریزیڈنٹ کی شکل میں ایڈوکیٹ